हाँ जी, फिर आज की वीडियो की तैयारी हो गई है और जाना है अभी मेरे को अपना थोड़ा काम से। और मगर क्या कहते हैं, नाश्ता जो है घर में बड़े टाइम बाद मम्मी के हाथ के छोले भटूरे खाएंगे। क्यों माता जी? आज भाभी के हाथ के छोले, भाभी जी के हाथ के, भाभी जी ने बनाए हैं। मसाला वसाला बन के छोले कुकर में डल गए हैं, मगर मम्मी बड़ी देर से लगी हुई है रसोई साफ करने में, क्योंकि ये है कि भाई पता है वीडियो बन रही है, थोड़ी किचन साफ आनी चाहिए। क्यों? वैसे इतनी साफ रखती हूँ और जरूर साफ। ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी कह रही जो फूला नहीं है उसकी वीडियो नहीं बनानी। घर की सारी लेडीज काम पे लगी हुई हैं, मैं अपने काम पे लगा हूँ कैमरा कैमरा पकड़ के। आप कौन से काम पे लगे हुए हो? टिंडर पे लगे हुए। मैं देख रहा था जो आपने जगह बताई थी जहाँ हमने जाना है, मैं वो देख रहा था किधर है। और इस जगह का मम्मी को पहले ही बता देता तो 4 महीने बाद मिलने वाले भटूरे सूंघने को भी नहीं मिलते थे, इसलिए मैंने सोचा खा के निकलते हैं, आके देखेंगे। मम्मी आज तो डिनर सेट निकाल लो। इंडिया वाला का तो काम आएगा, ले इस बार लेके आए तो यूज तो करे। यहाँ खाने खजाने की शूटिंग चल रही है यार, पता नहीं मतलब सुन नहीं आ रही। संडे आए होते तो भाई भी होता। वैसे क्वेबेक डे आ रहा है, कल छुट्टी है ना सनी की, कल सनी की छुट्टी है, कल आउटडोर भी जाएंगे। वैसे कल बना लेते छोले भटूरे, वो भी खा लेता। चलो कोई बात नहीं, कुछ और बना लेंगे। बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा स्वाद है, मजे आ गया। महीनों हो गए जी ये स्वाद लिए हुए और ये इनकम्प्लीट है अगर अचार में रड़े हुए प्याज ना, और इनको ना थोड़ी देर पहले नमक लगा के छोड़ देता ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए। और पूड़ियां खमीरे आटे की, मम्मी को 3 बार बोला है जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 मिनट की शांति रखना, मम्मी नहीं मानती। फाइनली जी निकलने का टाइम आ गया, और एक्चुअली ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये तशिका जी की जो BMW X4 है, उन्होंने सर्विस के लिए दी थी, तो ये उनको एज अ लोनर कार मिली, और वो भी X Drive 350। शाम को देखते हैं इस पे भी हाथ साफ करते हैं, बट फिलहाल आज दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि आज तो लैंड रोवर पे जा रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते, ये गाड़ी मेरे भाई भाभी की है जो एक रात पहले थोड़ा मस्का लगा के मिली थी। मेरे प्यारे भाई, एक रिक्वेस्ट है। पहले ही ना कर दी, कितना कठोर आदमी है, सुन लेना भाई। बता रहा हूँ भाई, मेरा अच्छा, मैं तो मुलायम हूँ, बताना यार। नहीं यार प्लीज, सॉरी, सुन तो ले पहले। नहीं तो भी सॉरी। यार परजाई जी, वो हमने कल थोड़ा ना काम करने जाना है दिन में, तो गर्मी है बहुत ज्यादा, आज भी जैसे हम आए ना 3 घंटे गाड़ी में चाहिए। आज का तो दिन ही बहुत बढ़िया है जी। एक तो सबसे बड़ी बात, आहा प्यारी गाड़ी में एसी भी चल रहा है, दरवाजा खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं, इतने टाइम बाद चल दी गड्डी मत पाया। और दूसरी बात है, मम्मी को छोले भटूरे खा के गोली दे के निकल तो गए हैं, मगर एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम टॉकिंग, मगर जो है हम जा रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त हाई टेक बंदूक लेने के लिए। जो मैंने लास्ट ली थी वो तो फर्स्ट थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मगर इस बार जो है ना सबसे हाई टेक चीज़ों में से एक उठाने लगे हैं, तो
माँ को बताया कि ले रहे हो नहीं बंदूक, पागल हो गया, अभी घर जाके पता लगेगी, बताने के तो कभी नहीं मिलनी थी, कल देखा नहीं है क्या हुआ है। तो इसीलिए बस वही है, जैसे बंदा अपनी पसंद की शादी करके सीधा बहू घर लेके जाए तो फिर क्या ही कर लेते हैं लोग, है ना, बस वही करना है, पहले बंदूक लेके चले जाएंगे, वरना पूछ के तो इजाजत कभी नहीं मिलेगी। बाबूजी स्टोर तो ये बहुत ही बड़ा है, सेल से भी बड़ा लग रहा है, हंटिंग एंड फिशिंग आउटडोर, और यहाँ पे बंदूकों की वैरायटी कई ज्यादा है। उस टाइम अपने को इतना एक्सपीरियंस नहीं था जब सेल चली थी, तो अब जाके थोड़ी रिसर्च भी हो गई है, पता भी लग गया है, अब यहाँ से थोड़ी स्पेशल वाली आइटम उठाते हैं और देखिए जरा क्या है इसके अंदर। My life depends on trying to figure a scribble that I could let loose, dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you, let them pull the strings that trigger what you say. I think it's difficult to get out of my brain. I wish life wasn't any other way. But it's all side roads to nowhere. और ये जी एक बहुत बड़ा हंटिंग स्टोर है, बट मैं इसको पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सेल की वीडियो जो कि एक और हंटिंग स्टोर है अपनी पहली गन लेते हुए बना ली थी, वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो देख सकते हैं। बट अभी मैं इस टाइम बड़ी एक पर्टिकुलर राइफल या फिर एक हैंड गन लेने आया हूँ जो कि इस सेक्शन में मिलेगी, तो वो देख लेते हैं। And I just wanted to say thank you. Thank you. I'm a scrub, but you still love me. You love me. And is it blowback or non-blowback? Yeah, it's blowback. Okay, and how many shots can it fire with one? Like one CO2 can? Yeah. Roughly, I want to say between 20 and 30. That's so, it? Yeah, because it's really powerful and the blowback also takes some power. But it's all side roads to nowhere. बट गैस पावर हैंडगन्स के लिए एक अलग से एपिसोड रखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मैं राइफल लेने आया था। ये जगह ना कुछ ज्यादा ही हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें, गोलियां, हर तरह के टारगेट्स। हमारा काम तो मेन एयर सॉफ्ट और एयर राइफल्स का था, जो मैं राइफल लेने आया था वो तो मिली नहीं, इसीलिए हम दूसरे स्टोर की तरफ निकलने लगे, मगर तभी मेरी नजर एक और चीज पे पड़ गई। और ये अगर आपको दिख रहे हो ना, ये गन सेफ है, बेसिकली यहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी वेपन जो है वो फायर आर्म कंसिडर किया जाता है तो उसको इन लॉकर्स के अंदर डुअल लॉक के साथ लगाते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट भी करने हो तो उसके लिए भी स्पेशल केस आते हैं। No, I don't make no money. You've been there when the times get ugly. I'm broke. अब जी क्योंकि कबीला इस पे तो मिला नहीं, अब कबीला है जो भी है वो वहाँ पे, तो अपने को जो राइफल लेनी थी वो मिले नहीं, और हैंड गन का मैंने फिलहाल CO2 वाली का आइडिया ड्रॉप कर दिया, थोड़ी सी रिसर्च और करनी पड़ेगी फिर लेंगे पिस्टल। बट राइफल लेने के लिए फिर अब वही कनेडियन टायर जा रहे हैं, वहाँ पे एक स्टॉक में पड़ी है, वो उठा के घर जाना है, बस मम्मी को टापाना चाड़ दे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो राइफल उल्टा हो गया आपके ऊपर ही पड़ेगी और आपकी माँ ही मारेगी। मम्मी ने पहले इतनी खप डाली थी जब $200 वाली ली थी, ये तो 350 प्लस टैक्स है भाई। My standard is blue. I was low pockets in these words I made. Yeah, I'm a scrub, but at least I got you. Yeah, at least I got you. यहाँ में छोटा सेक्शन है मगर पड़ी है, मगर अपनी वाली नहीं दिख रही। ये रही, ये रही। Swarm Whisper. 329. ये रही। I'm a scrub, but you still love me. You love me. I'm a scrub, but you still love me. You love me. आइटम वीर जी बहुत ही सॉलिड आ गई है। मम्मी से थोड़े छितर पड़ेंगे क्योंकि थोड़े पैसे ज़्यादा लगा दिए हैं, मगर कोशिश यही करेंगे पुरानी वाली बिक जाए, मगर अभी जरा जाके 10-in-1 अभी तो चला नहीं सकते, ऑटो आ जाना है, मगर परसों वापस जा। पहुंच गए जी फाइनली घर, लोगों को लगता है कि वीडियो आराम से बन जाती है, बट सुबह के गए, दो वीडियो शूट करके आए हैं, 11-12 बजे के निकले और बज गए अब शाम के 8 बजे। छोटी नानी तो बाहर ही घूम रही हैं, वॉक कर रही हैं, वॉक कर रही हैं लगता है आज। सामान निकालने में दिक्कत होगी आपको। गाड़ी में ही छोड़ दें, छोड़ सकते हैं, बट फिर गाड़ी भी तो वापस देनी है ना यार, गाड़ी भी अपनी नहीं है। चल ठीक है, अभी शाम को मम्मी का मूड थोड़ा ठीक होता है क्योंकि फ्रेश हवा लेके आई है, अभी कोशिश करते हैं। आ जा। हाँ जी मम्मी, फिर बड़ी अपना सैर वैर चल रही है, है? शाम को सैर ही करती हूँ। मौसम सही है? मौसम मस्त है। और चाय शाय पी ली आपने? चाय पी ली, चाय के बिना ही लग आ जाता है। हाँ ये बात तो ठीक है। और मूड वो ठीक है आपका? मस्त है? मस्त है। अच्छी बात है, बस इसीलिए बोल रहा था साले। फिर साले साले कर रही मम्मी, फिर निकल गया, देख लो सानू गाला पहनी है।
ये तो वैसी है बिल्कुल बिल्कुल वैसी नहीं है, दिखने में वैसी है मगर आप ये लगा लो जी, इसके अंदर ना मैगजीन डलती है, इसमें 10 चर्रे कट्ठे लोड हो जाते हैं और ये जो है ना सिंगल कॉकिंग एक्शन है, क्रिच क्रिच। हाँ। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, हाँ। ये आप लोग को लग रहा है ना वैसी है, हाँ। पैसों के मामले में वैसी नहीं है, ये महंगी है, है? मनी देख तू क्या कर रहा है, ज्यादा महंगी नहीं है, इतनी तेरी कमाई है ना जितना तू खर्चा करे जा रहा है। मनी ये ना जैसे लॉस मेकिंग बिजनेस होता है, जैसे बड़े बिजनेस शुरू होते हैं, मैं बिजनेस में रहा हूँ 11 साल, आपको मैं भरोसा नहीं है, हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, उसके बाद जाके जब जब अभी 1 लाख व्यू आते हैं ना एक दिन के, जब ये मिलियन आने शुरू हो जाएंगे तब हम इवन पॉइंट। और क्या यार, अभी देखो ना, अभी अभी भगवान की दया से थोड़े खर्चे निकलने शुरू हो गए हैं, उसके बाद थोड़े टाइम में जो है जैसे जैसे व्यू बढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो लागत कम होती जाएगी और रिटर्न बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे हम ब्रेक इवन पे आएंगे, फिर मुनाफा शुरू रिकवरी के बाद। दो गन का करेगा क्या है? दो गन का करेगा, पहली वाली बेच दूंगा सच्ची, हाँ हाफ रेट पे, पहले तो कंपैरिजन है, हाफ रेट सीधा आधा घाटा, मतलब वो सॉरी अपना 80% पे फुल प्राइस फुल प्राइस कौन लेता है सेकंड हैंड? अरे ऑटोग्राफ देंगे ट्रैवलिंग देसी को, उस पे कैसे नहीं लेगा। मुझे बुद्धू बनाते हो तुम लोग। मुझे पता है, चलो भाई चले, कितने की है बताओ बताओ, नहीं ज्यादा महंगी नहीं है मम्मी, अरे भी वीडियो में डलेगा तो सच बोल रहा है ना, तब तक मुझे सबर नहीं होगा। कितने लगाए हैं बता देते हैं फिर, कितने लगाए हैं आप बताओ, कितने की होगी वो? 10 की थी, 20 की होगी, बस बिल्कुल सही पकड़ा आपने, डबल 10,000 20,000 30,000 हो गए टोटल, हो गया हो गया। चल देख क्यों, चल इधर। ये वो बेटे की माँ घबरा रही है जिसका एक दिन सुबह उठ के बेस्ट फ्रेंड जो है मोटरसाइकिल ले आया, तो हा? बेटा हाँ सौरभ दीवान बाइक ले आया, हा? मैं गोवा गया हुआ था, मैं गोवा से आया वापस, सौरभ ने कहा बाइक ले ली, मैंने कहा रुक मैं कल सेम लेके आता हूँ, सुजुकी इंट्रूडर 1800 cc, 18 लाख रुपए की बाइक, भगवान की ऐसी उस टाइम दया थी, लोन नहीं कुछ नहीं, डिमांड ड्राफ्ट बैंक से अगले दिन सुबह बनवा के कैश डाउन उठा के लाया था, और आप आज मम्मी 18,000 रुपए की बंदूक नहीं है, है? यार उस टाइम और बात थी। हाँ कोई बात नहीं, वो दिन दोबारा आएंगे, आपका बेटा लग गया ना दोबारा मेहनत पे, मेहनत करनी है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी में अप डाउन चलते रहते हैं, मगर स्पिरिट हाई रहनी चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, फिर से लेके आएंगे 18 लाख की बाइक कैश डाउन उठा के। बट जब तक कई सालों की पुनः मेहनत के बाद वो दिन वापस नहीं आते, तब तक थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते शौक ही पूरे कर लें। तो जी दो एक दिनों के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मम्मी के कमरे में फर्स्ट क्लास जो है आने का और सोने का, मम्मी के साथ बड़े टाइम बाद शर्फ हासिल हुआ है, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आगे की ऐसी वीडियोज के टाइम अपडेट्स और अपने चैनल के थोड़े सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा।